आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि गहलोत समर्थक विधायक भी करने लगे हैं सचिन को सीएम बनाने की मांग और गहलोत समर्थक विधायकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। वीडियो में जो शख्स आपको दिख रहा है वो लगातार सचिन पायलट को सीएम बनाने की अपील कर रहा है और उन्हीं का समर्थन कर रहा है। आप एक बार ये वीडियो देखें। माननीय राहुल जी गांधी महोदय, एम सोनिया गांधी जी, एम राजस्थान के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, मैं प्रताप सिंह की खातिर आवाज से ये जानकारी लेना चाहता हूँ। वो बोल रहे कि मैं जब स्टूडेंट था और दौसा से चुनाव लड़ते थे, सचिन पायलट चट नेकर में ढूंढते थे। खाचरावास साहब, आपने भी नेकर पे नहीं, ये बात नहीं है कि आप डायरेक्ट शुरू से पैंट पहनते आए हो। ये नेकर वगैरह से बात छोड़ो, आप पहले बीजेपी में थे, बीजेपी में खूब इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस मुर्दाबाद किए, जगह जगह आपने पुतले फेंके हैं। उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उस टाइम जिला उपाध्यक्ष था और मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जयपुर के अंदर चौड़ा रास्ता के अंदर आप मिलने के लिए जब आते थे तो लाइन में खड़े रहते थे कि हमें भी मिलवा दो आपके ज्वाइंट सर। ये राजनीति ये किसी की सगी नहीं है जो आप अशोक जी गहलोत के गुनगा रहे हो। उस गहलोत जी से पूछो कि आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से। विवेक गहलोत के इतने दमदार थे तो जोधपुर से उनके बच्चे को जिता के तो ले आते हैं। वो तो शुक्र करो जो आदमी दुनिया में नहीं रहा अभी, राजेश पायलट वही व्यक्ति ऐसा था जिसने सोनिया गांधी से बोल दिया था कि मैडम उंगलियों से अध्यक्ष नहीं बनते हैं, मतों से अध्यक्ष बनते हैं। और उसी का एक पुत्र वही शेर है, आपकी तरह कभी इसने पार्टी नहीं बदली, आपने पार्टियाँ बदल दी है, कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस में, आपके पूरे कारनामे में आपने जयपुर के अंदर आप भी रहे हो, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट राजेंद्र सिंह राठौर भी रहा है, दीपेंद्र सिंह जी भी रहे हैं, अजय सिंह चित्तौड़ा भी रहा है, रघु शर्मा भी रहे हैं, अच्छे अच्छे रहे हैं, लेकिन ऐसा बर्ताव ऐसा बोलना तो किसी ने सीखा। एक राजपूत समाज हो के आप, मैं भी एक खानदानी राजपूत से हूँ, हड़ा हूँ, लेकिन असली खानदानी राजपूत होगा तो पन्नाधारी महाराणा प्रताप के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। और असली ये घर से पूछना कि जब भी शादी ब्याह कोई भी कार्यक्रम होता है ना तो दाई जी का पोशाक अलग ही आती है। राजस्थान पन्नाधाय का कोई भी राजपूत उसके गुण को नहीं बोल सकता। अरे ये गहलोत को बुलाओ ना आप क्यों आप बनते हो मुख्यमंत्री तो ठीक है, हम आते हैं लोग, आपके लिए पूरा सहयोग रहेगा, राजपूत का हर बच्चा बच्चा आपके लिए बलिदान होने को तैयार है, लेकिन गहलोत से तो बुलाओ, एक माइक लेके उसे कम तो आवाज़ तो कराओ उसकी। अरे 100 बार उससे बोल दो कि पुनर्विचार किया जाएगा और 100 बार बोल दो उससे कि लंदन की यात्रा की जाएगी। वो 100 बार बोल देता जिंदगी भर हम तुम्हारे गुलाम रह जाएंगे, हम तुम्हारे कपड़े धोएंगे, उसके बोलने के आए दिन ती बोलता है वो है। एक राजस्थान चीफ मिनिस्टर क्लिंटन आता था अमेरिका का राष्ट्रपति जी, इंडिया देखती थी, आदमी वो होना चाहिए स्मार्ट, फिटनेस कंप्लीट। और वह एक गेली है जिसको पहनने के चलने के लक्षण नहीं है, बोलने के लक्षण नहीं है, सीएम बना दे तीसरी बार, ऐसा क्या कुर्सी में चिपका रखा है उसको कि राजस्थान में केवल वही है सीएम है कांग्रेस के अंदर बनने लायक। वो नहीं है क्या दीपेंद्र सिंह शेखावत रहा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहा है, और बहुत हैं कांग्रेस में सॉलिड सॉलिड स्टार, लेकिन उनको बनाते तो तुतियाँ बंद हो जाती है, उधर सोनिया जी के बिस्तर वो थैले उठाने नहीं पड़ते, इनको थैले उठाते हैं। इस टाइम संजय गांधी जब जयपुर में आता था ना, हरदेव जोशी उसकी टोपी में मारता था, संजय गांधी जयपुर में आता गुलाबी नवगिरी के अंदर से फूलों में बिछाया के निकाला था है। गांधी में क्या है, है? अध्यक्ष में बन जाऊँ शुरू से गांधी परिवार के अंदर, इसका सत्यानाश करने वाला ये मैं दावे से कहता हूँ। शेखाव साहब, यदि राजस्थान से सचिन पायलट निकल गया ना, तुम्हारे तुमरे समेट लो तुम कांग्रेस के, तुम्हारे एजेंट नहीं मिलेंगे। आप जयपुर में कह रहे हो कितनी बार जीतने पर उसे जीत के सचिन पायलट की देन मानो जो आपको टिकट मिल गया, वरना गहलोत ने तो आपकी कटाई की थी कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये पार्टी में खुरा बातें करेगा मेरे से। अतः आपसे ऐसा है कि इतने गर्व आप मत बोलो, इस अशोक गहलोत को तो बुलवाओ एक बार, तो भाई जो भी स्पीच देना करना हो, जो भी कहीं भी करना हो, तो गहलोत तू बोलो ना यार है? आप तो उसके ठीक है, ये ध्यान रखना कि यदि बॉर्डर्स का कैप्टन यदि यहाँ का मौजूद होता है ना, तो उसके पीछे सेनापति सॉलिड होने के बाद उसका एक सैनिक जवान बोल्ड होता है। आपका सेनापति फिटनेस नहीं है,
हैं, वो तो मेडिकल फेल है, उसको तोत ले आए, वो तो बोलने के लक्षण नहीं है। इसलिए टॉप क्रीम स्मार्ट द फिटनेस इज द राजस्थान सीएम द वर्कर टॉप। मैं भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय प्रदेश सचिव संगठन हूँ। ये गलत इस तरह से ये रोड पे ला दी, जगह जगह गलियारों में घुमा रखी है आपने कांग्रेस को, धूल उड़ाई मेल दी आपने इस गहलोत ने रात में। सचिन पायलट निकल गया तो कांग्रेस के समेट लो तुम्हारे तड़ी तुमड़े और बेड़ जिंदगी में राजस्थान में कभी कांग्रेस नहीं आएगी। इसी तरह की लड़ाई मोहनलाल सुखाड़िया से हुई, हर बार हुई है। फिर शास्त्री के टाइम को हुई, किशनगढ़ दरबार झालावाड़ दरबार के टाइम पे हुई। ये कर क्या रहा है कांग्रेस में, गांधी 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 कर रखा है, है? वो नहीं है कि गांधी जी माधुराव सिंधिया राजेश पायलट ने बलिदान दिया जो बेकार दिया है, इसलिए अच्छा नहीं है। समझ के सोच के ठंडे पेटे से किसी को भी बनाओ, लेकिन गोलत के अलावा किसी को भी आपसी बना दो टॉप लीडर्स को। इन्होंने राजपूतों को काट दिया, इन्होंने जाटों को काट दिया, गुर्जर समाज को काट दिया, मीणा समाज को काट दिया, है? ये तो मन चाहे वो दिल्ली से आए थे ना प्रिंस बन के, हाथों हाथ निर्णय लेके चल गए। क्या रहा आज एक कोर्ट कचहरी नहीं देखना पड़ता थी, सही ठंडे बैठे से निर्णय लेते तो। कांग्रेस आप तो बोर्ड रात में पर्चियाँ बांट रहा है, झंडे लगा रहा है, जगह जगह नेताओं के स्वागत के लिए कार्यकर्ता भगे भगे फिर रहे हैं, भीगे मांग रहे हैं, उठा उठा के ला रहे हैं, वोट दिला रहे हैं। उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी कि ये कांग्रेस पार्टी है देखो जो कुत्ते की तरह लड़ रही है, ये इनकी कंडीशन है, झगड़ा झगड़ी कर रही है, क्या मैनर्स हैं इनके अंदर, हैं? इसलिए अच्छा यही है कि आप ठंडे पेटे से दिमाग से सोच के सभी दिग्गज लोग और अच्छा सीएम राजस्थान में बनाओ। ये नहीं कि सचिन पायलट के लिए करो, अच्छा सीएम बनाओ ताकि राजस्थान की नैया पार हो सके। अब राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें।